हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केशरवानी क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एवरेस्ट टॉपिक का लेक्चर 3, जिसमें कि मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ अमेजिंग ट्रिक और कुछ नए कॉन्सेप्ट। इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप क्वेश्चन को इजीली 20 to 25 सेकंड में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। एंड थर्ड, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जिसमें बोला है द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 25 ईयर्स। मतलब 20 बच्चों की जो एवरेज एज है वो हमें दिया हुआ है 25 ईयर्स। इफ अ प्रोफेसर इज एडेड इन द क्लास द न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर। मीन्स अगर प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं तो जो एवरेज एज होती है वो 2 साल बढ़ जा रही है, मीन्स 27 ईयर्स हो जा रही है। द एज ऑफ प्रोफेसर इज, मीन्स प्रोफेसर की एज पूछा है कितनी होगी। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं, नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे तो 20 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज कितनी है 25 ईयर्स। तो अगर हम लोग इनका सम निकालते हैं, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 20 into 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। फिर इसी तरह सम ऑफ 21 क्यों, क्योंकि प्रोफेसर भी ऐड हो गए, तो फिर 21 into 2 साल बढ़ जा रही 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको मिल जाएगी एज ऑफ प्रोफेसर। तो थोड़ा सा ये लेंथी है, क्योंकि इस तरह का मल्टीप्ली अभी तो यहाँ पे इजी मल्टीप्लीकेशन था, हमने तुरंत कर लिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो इसकी जगह एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज़ करके हम लोग तुरंत आंसर निकाल लेंगे। मुश्किल से हमको 30 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेगा आंसर निकालने में। तो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन बोला है कि 20 स्टूडेंट्स उनकी एवरेज कितनी है, ट्रिक 1 लगाते हैं इसमें हम लोग अपनी। क्या है ट्रिक 1, बहुत ही मजेदार है, इससे हम लोग इजीली 30 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। क्या करना है आपको, लिखना है 20 स्टूडेंट जितने पहले थे और उनकी पहले एवरेज एज कितनी थी 25 ईयर। अब इंक्लूड एक नए आने के बाद कितने स्टूडेंट हो गए, मतलब टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पे 21, और उनकी एवरेज कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई हमारी 2 साल, तो 27 2 साल बढ़ गई है। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 1, ये मिल गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस 20 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 40, प्लस इस 1 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है, और कितना हो गया ये हमारा 27। इन दोनों का सम कितना आ गया 67। तो ये हमारा आंसर। तो हमारी जो टीचर की एज है वो हमारी कितनी है 67 ईयर। तो आप देख सकते हैं ट्रिक लगाने से हम लोग कितनी इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन बहुत छोटे नंबर से, 20 into 2 and 1 into 27, तुरंत कर लेंगे और तुरंत आ जाएगा। मुश्किल से आपको इसको 30 to 20 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। अब हम लोग इसका एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जिससे कि हमको ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से आ जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ है द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। मीन्स 40 बच्चों की जो एवरेज एज है वो हमारी 15 साल है। इफ द न्यू स्टूडेंट इज एडेड इन द क्लास, एक नया लड़का आ रहा है क्लास में, द एवरेज बिकम 16 ईयर्स। मीन्स एवरेज 1 साल बढ़ जा रही है। द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट हमको यहाँ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट लेंगे। तो शॉर्टकट हमारा क्या है, ट्रिक नंबर 1। अब तक मैं आप लोगों ने इसका आंसर तो निकाल लिया होगा। तो क्या होगा, ओल्डर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 40, उनकी ओल्डर एवरेज एज कितनी थी दैट इज 15 ईयर्स, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, एक इंक्रीज हो गया दैट इज 41 बच्चे हो गए, और उनकी एवरेज क्या हो गई, न्यू एवरेज क्या है 16 ईयर। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। अब क्या करना है, सिंपल 40 को 1 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 40, एंड 1 को 16 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 16, एंड दोनों का एडिशन कितना हो गया हमारा 56 ईयर।
तो आप देख सकते हैं कितने इजीली तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बस हमने क्वेश्चन को देखा और बस देखते ही हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 20 सेकंड में हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम लोग इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक नंबर वन से हमारे हमने तुरंत लगाया, तुरंत हमारा आंसर आ गया। अब इसका हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें बोला है द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास ऑफ 25% इज 35.4 kg। मींस पूरी क्लास की जो एवरेज वेट है कितना है हमारा 35.4 kg है। कितने लोग हैं क्लास में 25% है। इफ द टीचर इज रिमूव फ्रॉम द क्लास, टीचर वहां से चला जा रहा है, मींस 25 में टीचर भी हमारा इंक्लूडेड है, बाद में टीचर वहां से चला गया तो एवरेज एज क्या हो गई अब हमारी 35 kg हो गई। व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, हमको बताना है कि टीचर का वेट क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं, नॉर्मल वे भी करेंगे फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक का भी यूज करेंगे, दोनों देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं, सम ऑफ 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 उनका एवरेज। सम निकालने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ परसेंट उनका एवरेज, दैट इज 35.4। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 885 kg। और अगर इसी तरह जब हम लोग सम टू निकालेंगे, सम टू किसमें जब हमारा टीचर जो है वो हमारा रिमूव हो गया, तब अगर हम लोग निकालते हैं तो कितने टोटल लोग हो गए 24 इंटू जो न्यू एज, जो न्यू हमारी एवरेज है कितनी है 35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अप्रॉक्स आ जाएगा 840 kg। तो अगर हम लोग अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 45 kg। तो जो हमारी टीचर की जो एज वेट होगा, जो हमारे टीचर का वेट होगा वो कितना होगा 45 kg। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको पहला सम निकालना होगा, सम टू निकालना होगा, देन उसका डिफरेंस लेंगे तब हमको कहीं जाके हमको आंसर मिलेगा। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अगर इसको हम लोग अपने ट्रिक से करते हैं, अगर हम लोग इसको अपने ट्रिक से करते हैं तो क्या होगा 25 पहले कितने हैं 25, उनकी एवरेज कितनी दी हुई है 35.4, न्यू कितने हैं 24 लोग हैं, उनकी एवरेज कितनी दी हुई है 35। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 1 का आ जाएगा, इधर हमारा कितना का आ जाएगा 0.4 का आ जाएगा। तो 25 × 0.4 कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 10 प्लस 1 × 35 दैट इज 35। तो ये हमारा कितना हो गया 45 kg। तो हमारा तुरंत आंसर आ गया कि टीचर का क्या वेट होगा 45 kg। तो आप देख सकते हैं ट्रिक से हम लोग कितने इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमको जो लंबी लंबी कैलकुलेशन है उनसे बच जाएंगे आराम से और इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये ट्रिक हमारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लगी। अब इसके बाद हम लोग इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें बोला है गिवन अ पाई चार्ट विच शोज द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग द पार्क, मीन्स कितने लोग आ रहे हैं पार्क में संडे सैटरडे फ्राइडे को। देखिए संडे को हमारे कितने लोग आ रहे हैं 45% लोग आ रहे हैं, फ्राइडे को हमारे 25% आ रहे हैं, सैटरडे को हमारे 30% आ रहे हैं, और टोटल पर्सन कितने हैं हमारे 400। और उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है कि मेल फीमेल हमारे कितने रेशियो में आ रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल विजिटिंग ऑल दीज डेज, मीन्स इन तीनों का हमको एवरेज बताना है कि तीनों दिन में एवरेज हमको बताना है कि कितने मेल अप्रॉक्स आते हैं विजिट करने। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा हमारा। सबसे पहले हम लोग संडे का निकाल लेते हैं कि संडे को कितने मेल आते हैं। तो संडे अगर हम लोग निकालेंगे, संडे मेल निकालते हैं तो कितना बोला है संडे को 45%। तो 45% इंटू कितने टोटल है हमारे 400 पीपल है। और उसके बाद मेल रेशियो क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 5:9। तो हमारा ये हो गया हमारा जो मेल रेशियो हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट, 4 बचेगा यहाँ से 5 × 25 दैट इज 100। मीन्स 100 मेल आए संडे को। इसी तरह हम लोग अब क्या निकाल लेंगे फ्राइडे का निकाल लेंगे, फ्राइडे निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है हमें, कितना परसेंट दिया 25% 25% इंटू 400 इंटू रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे 4 × 5 = 5 हमारा 40 मेल आ जाएगा। हमारा किस दिन आ गया ये हमारा फ्राइडे को। इसी तरह हम लोग अब यहाँ पे सैटरडे निकाल लेते हैं
सैटरडे निकाल लेंगे, दैट इज 30/100, 30% इनटू 400 पीपल जो टोटल है हमारे। उसके बाद हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है, हमारा 5:12। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बच जाए 4, 3, 10, दैट इज 50 मेल। हमको तीनों डेज का पता चल गया कितने कितने मेल आ रहे हैं। अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे दैट इज 100 + 50 + 40/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150, 190/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 3, 1/3 कुछ इतना आ जाएगा, इतने लोग। तो आप देख सकते हैं कुछ इसका आंसर इस तरह होगा 63/1/3, तो इसका आंसर आ गया हमारा ये। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें चार्ट दिया रहता है, उसको समझ के हमको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ये क्वेश्चन हमारा SBI बैंक PO 2019 में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, उनकी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स को लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।